हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सभी ठीक हैं। मेरा नाम है संदीप और जैसा कि मैंने अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि मुझे अभी कुछ कैंपिंग का सामान ख़रीदना है। बेसिकली जो जो कैंपिंग में रिक्वायर्ड सामान स्टफ होता है, जैसे कैंपिंग बैग, कैंपिंग टेंट, मुझे ऐसे ही एक बैग की तलाश थी जो कि एक पॉकेट फ्रेंडली हो और अच्छी क्वालिटी में हो। सो मैंने फ्लिपकार्ट से रिसेंटली एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया था, कैंपिंग बैग। बेसिकली एक कंपनी है इनवर्स, जिसका मैंने 65 लीटर्स का रक्सैक बैग ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से और वो फाइनली मुझे डिलीवर हो गया है। सो ये है वो बैग और मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर क्या क्या बेनिफिट हैं और किस तरह का है ये बैग। सो गाइज, ये है वो बैग। सो ये 65 लीटर की कैपेसिटी के साथ आता है और अगर मैं इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करूं, सो इसमें दो चीज़ों का एडवांटेज है कि एक तो ये वाटर रेजिस्टेंट है। सो बेसिकली अगर इसके ऊपर पानी आएगा तो वो रुकेगा नहीं जरा भी और ऊपर से निकल जाएगा। साथ ही में एक्स्ट्रा एडिशनल बेनिफिट के लिए इन्होंने इस बैग के साथ एक रेन कवर भी दिया है, जो कि ये रहा। ये पूरी तरीके से इस बैग के ऊपर इस तरह से आ जाता है और इसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है बेसिकली, अगर आप चाहें। सो मैं इसके कुछ आपको प्लस पॉइंट्स बता देता हूँ कि मैंने ये वाला बैग क्यों फाइनल किया अपने ट्रैकिंग के लिए, बेसिकली कैंपिंग ट्रिप के लिए, जिसमें कि मैं आप जाने वाला हूँ बहुत जल्दी। सो सबसे पहले इसका ये जो नीचे वाला पार्ट देख रहे हैं आप यहाँ पे, इसके अंदर शूज़ का एक अलग सेक्शन है। सो अगर मैं इसको खोलता हूँ, सो गाइज ये देख सकते हैं आप, इसके अंदर शूज़ रखने का अच्छा खासा स्पेस है। मतलब इसमें दो पेयर आप आराम से रख सकते हैं। मैं तो बेसिकली एक पेयर ही लेके जाने वाला हूँ। इधर मैं स्लीपर लेके जाऊँगा, साथ में शूज़ पहन के जाऊँगा और इसका उल्टा भी कर सकता हूँ। वैसे राइडिंग अगर मैं बाइक से कर रहा हूँ तो ऑफकोर्स मैं शूज़ ही पहन के जाऊँगा। और बात करें इसके ऊपर वाले सेक्शन की, तो यहाँ पर एक ये देखिए गाइस, ये एक प्रोटेक्शन वाला वो बैग मिलता है जिसमें कि आप सामान रख के इसको बंद कर सकते हैं। यहाँ से आपको आई होप दिख रहा होगा ये, और इसके अंदर भी अच्छा खासा स्पेस है ये देखिए। सो बेसिकली 65 लीटर की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कि अगर आप ये एंट्री लेवल व्लॉगर हैं या फिर एंट्री लेवल कैंपिंग करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा ये आपको स्पेस देगा, कभी भी स्पेस की कमी नहीं होगी। और साथ ही में सामने की तरफ ये एक और सेक्शन है जिसमें आप अपना सामान रख सकते हैं, कुछ भी यूज़फुल सामान जो आप चाहें। एक और चीज़ मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ, ये यहाँ पे देखिए गाइस, ये तो आपका वो हो गया जिसमें आप सामान रखते हैं और इसको बंद कर देंगे। उसके अलावा यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉकेट और दे रखी है जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स डाल सकते हैं, कुछ भी ज़रूरत पड़ने पर उसको यूज़ कर सकते हैं। इसको बंद करने के बाद आप यहाँ पे अपना सामान डालेंगे और सामान डालने के बाद इसको बंद कर देंगे। बेसिकली यहाँ पे इसके अंदर एक ये दे रखी है इन्होंने, जिसको आप नीचे को ले जा सकते हैं, ये रहा। और उसके बाद इसे बंद करके ऊपर से ऐसे कवर कर सकते हैं और जो यहाँ पे इसके ये लॉक दे रखे हैं, ये इसमें आप इसको लगा सकते हैं इस तरह। ये गाइस इस तरह से बंद हो जाएगा ये अच्छी तरह से। इसको जब आप खींच देंगे, बेसिकली जब आपका सामान आ जाएगा इसमें अच्छा खासा पूरे अमाउंट में, तो ये ऐसे हो जाएगा एक तरीके से, ये ऊपर से इस तरह से कवर हो जाएगा। अभी ये पूरा खाली है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। साथ ही में अब मैं पीछे की बात करता हूँ, पीछे इन्होंने अच्छी खासी बैक के लिए पैडिंग दे रखी है हैवी वाली। यहाँ पर ये कंपनी ने काफ़ी अच्छा सोच के बनाया है, बेसिकली जो ट्रैकिंग करते हैं उनके लिए ही बनाया है बैग। और साथ में मैं अगर बात करूं नीचे की, तो ये देखिए गाइस यहाँ पे बेल्ट जिस तरह से ये बनी हुई है, ये एक हैवी क्वालिटी हैवी ड्यूटी की बेल्ट है, तो आसानी से ख़राब नहीं होने वाला ये बैग। इसकी मैं जो फीलिंग मुझे आ रही है यूज़ करने के बाद पता चलेगा, बट इस बात की श्योरिटी आई थिंक मैं दे सकता हूँ कि ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलने वाला है अगर आप ध्यान से चलाएँगे, अच्छे से इसकी टेक केयर करेंगे। साथ ही में एक दो चीज़ें और दिखाता हूँ मैं आपको। ये गाइस ऊपर की तरफ आप देखोगे, ये दो आपको एक्स्ट्रा यू कैन से सॉरी यहाँ पे आपको ये दो एक्स्ट्रा ये दिख रहे होंगे होल्डर्स। इसमें बेसिकली आप अपना योगा मैट अंदर फंसा सकते हैं और योगा मैट इसमें आराम से आपका आ जाएगा। इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं चाहे तो, ये देखिए अच्छा खासा स्पेस, इसमें योगा मैट आपका आराम से आ जाएगा, योगा मैट या स्लीपिंग मैट जो भी आप लेके जा रहे हैं। मैं योगा मैट लेके जा रहा हूँ अपने ट्रिप पर, तो
वो एक चीज़ है मैं आपको बता दूं, क्योंकि मेरे घर पे रखा हुआ था, सो योगा मैट मेरे को प्रिफरेबल लगा। अगर वो ट्रिप पे मुझे अच्छा नहीं लगता, एक्सपीरियंस उसके साथ ठीक नहीं रहता है, तो मैं डेफिनेटली स्लीपिंग मैट ख़रीदने वाला हूँ, बट अभी के लिए मैं योगा मैट से ही अपना जो कैंपिंग करने वाला हूँ, पहली कैंपिंग वो मैं उसी के थ्रू करूँगा। सो ये है अपना, बेसिकली मैं चाहता था आपको मैं इसका रिव्यू करके दिखा दूँ, सो मैंने बता दिया है। यहाँ पे आप बॉटल होल्डर्स हैं, यहाँ पे बॉटल कर रख सकते हैं, दोनों साइड में हैं, साथ ही में यहाँ पे भी अपना कुछ भी स्टफ़ लगा सकते हैं। आपके पास ट्रैकिंग स्टिक है तो वो भी लगा सकते हैं, वो भी काफ़ी यूज़फुल बैग है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे नीचे भी सेम, यहाँ पे भी कुछ होल्ड कर सकते हैं, इसके अंदर घुसा के यहाँ से निकाल सकते हैं। सो काफ़ी प्रैक्टिकल बैग है, अच्छा खासा। मैं जब इसको पूरा पैक कर लूँगा तो मैं वो भी दिखाऊँगा इंस्टाग्राम पे, अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए, वहाँ पे मैं अब डालना शुरू कर दूँगा सारी फोटोज़। अभी रिसेंटली मैंने वो पेज क्रिएट किया इंस्टाग्राम पे, लाइफ विद बनी के नाम से, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका डिटेल दे दूँगा मैं। साथ ही में अगर आपने मेरा टेंट सेटअप का वीडियो नहीं देखा तो मैं उसको आई बटन में ऊपर दे दूँगा, तो वहाँ पे देख लीजिएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि ब्लॉगिंग से, मतलब कैंपिंग से रिलेटेड सारी डिटेल, अभी मैं एक और वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें मैंने जो जो सारी चीज़ें शॉपिंग करी है, एज अ फर्स्ट टाइम जो भी कैंपिंग करता है पहले, उसको जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं बेसिक नीड की, वो सारी चीज़ों के बारे में मैं बताऊँगा, दिखाऊँगा कि क्या क्या मैंने ख़रीदा है। और वही चीज़ें आप ख़रीद सकते हैं अगर आपको, आपका ड्रीम है कैंपिंग करना, सोलो कैंपिंग करना या ग्रुप में कैंपिंग करना, सो वो है। और दूसरी चीज़ ये कि इसी वीक में मैं कैंपिंग प्लान कर रहा हूँ, जी हाँ, और उत्तराखंड में ही एक बहुत अच्छी जगह पे कैंपिंग होने जा रही है। सो उसके लिए भी बने रहिएगा ब्लॉग में आगे, और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है, ताकि आपको और अच्छा अच्छा कंटेंट आगे देखने को मिलने वाला है और आप बहुत खुश होंगे वो कंटेंट देखने के बाद। दूसरी चीज़ ये, सब्सक्राइब करने के बाद प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबा देना, वरना आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा मेरा वीडियो का, अगर मैं कुछ भी नया कंटेंट अपलोड करता हूँ तो। सो इतना ही था आज के इस वीडियो में। सो मैंने सोचा आपको मैं इसके बारे में थोड़ा रिव्यू दे दूँ। प्राइजिंग की बात कर लेते हैं, प्राइजिंग की बात कर लें तो ये मुझे पड़ा है 1110 रुपये का, जो थोड़े बहुत सुपर कॉइन्स मेरे पास पड़े थे। बेसिकली फ्लिपकार्ट के अंदर सुपर कॉइन्स यूज़ करने की फैसिलिटी होती है अगर आप यूज़ करते होंगे तो मैंने वो लगा के मुझे 1110 का पड़ गया। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका डिटेल दे दूंगा, आप वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लग रहा है ये बैग। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है ये बैग, और मैं इसको ट्रिप पर यूज़ करूँगा और आपके साथ आगे फर्दर एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। सो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।